अबे आ गई समझ ये वाली फिल्म ना यार, कुछ ज्यादा ही समझ आ गई इस बार। सरप्राइजिंगली इट इज वेरी इजी टू फॉलो, जो कि अच्छी बात थी। इस बार एक ठहराव सा था फिल्म में। आपने अगर पहले पार्ट को समझने में अच्छे से लेबर कर दी तो गुरु सेकंड पार्ट में तो इसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। हो सके तो ओरिजिनल लैंग्वेज यानी तमिल विद सबटाइटल्स के साथ अमेज़न प्राइम पे पहले पिक्चर को देख के जाना, क्योंकि ऑथेंटिसिटी वही ज्यादा फील होगी। तो इस फिल्म की टेक्निकल ब्रिलियंस के साथ साथ स्पॉइलर फ्री अंदाज में बात करेंगे कि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढने गए थे, क्या उनके जवाब अच्छे से मिल भी पाए। तो आने वाले समय में जो भी नाम लेने में मैं गलतियां करूंगा, उनके लिए अभी से माफी मांगते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बहुत ही संक्षिप्त अंदाज में पार्ट वन को रिवाइंड करते हैं। तो तंजौर में बैठे अस्वस्थ चक्रवर्ती सुंदर चोल, जिनके तीन होनहार बच्चे क्रमशः आदित्य गढ़िकालन, कुंदवाई और अरुण मोरी वर्मन है, जो कि अलग अलग तरीके से अपने साम्राज्य को संवारने और बढ़ाने में लगे हैं। उधर चारों तरफ आपसी फूट और तख्ता पलट का बाजार गर्म है। उधर निहत्ते वीर पांडियन को मारने वाले गढ़िकालन को मारने का बदला और चोल सिंहासन पर बैठ के सबको ध्वस्त करने का सपना देख रही नंदिनी अपने पति पेड़िया पड़ुवेत्तेयर, जो कि राज का सारा हिसाब किताब रखते हैं, उनके सहारे फूट डलवा कर उनके बेटे जो कि शिव भक्त थे यानी मधुरांधकन को गद्दी पर बैठाना चाह रही हैं। साथ ही साथ कड़ीकालन और अरुण मोरी को तंजौर भी बुलवाना चाह रही हैं। वहीं पीछे से पांडियंस के साथ हाथ मिलाकर लंका पे कब्जा जमा चुके अरुण मोरी को मरवाना भी चाह रही हैं। उधर अपने गुप्तचर वंद्यादेवन सारी काली करतूतों की जानकारी सुंदर चोल, कुंदवई, अरुण मोरी तक पहुंचा देते हैं। लंका में लड़ाई के बाद कड़ीकालन और अरुण मोरी यानी अपने पोनियन सिल्वन नदी में गिर जाते हैं। उनकी मौत की खबर से चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, लेकिन उनको एक रहस्यमयी श्वेत केश वाली औरत यानी मौनी देवी बचा लेती है, जिसने पहले भी अरुण मोरी को बचाया था। पार्ट वन खत्म। पहले पार्ट के बाद मेरे क्या सवाल थे और क्या मुझे उनके संतुष्ट कर देने वाले जवाब मिले, वही जानते हैं। कई सारे सवाल हैं। ये बुढ़िया मौनी देवी कौन है? इसका और नंदिनी का क्या कनेक्शन है? ये बार बार पोनियन सिल्वन को क्यों बचाया जा रही है? ये धूम के तो किसकी जान लेगा? नंदिनी और कड़ीकालन आमने सामने जब होंगे तो भाई साहब पता नहीं क्या ही गजब होगा। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये फिल्म सभी सवालों के जवाब अच्छे से दे पाई या नहीं, जिसका जवाब है फ्लाइंग कलर्स के साथ हाँ। लगभग सभी सवालों का ऑन पॉइंट जवाब देना इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती रही। पहले पार्ट में हार्ड लेबर करके जब आप किरदारों के ट्रेट्स यानी उनकी इडियोसिंक्रेसीज से जुड़ जाते हो तो इस पार्ट में आप और एंजॉय करने लग जाते हो। फिल्म के फर्स्ट हाफ का अंत होते होते सरप्राइजिंगली ये फिल्म एक थ्रिलर बन जाती है, क्योंकि तब ये स्पाइज आर एवरीवेयर यानी गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए हैं उस एंगल के साथ खेलती है। मेरे हिसाब से वो फिल्म के सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स थे। फिल्म के बहुत ज्यादा समझ आ जाने की वजह से और इन थ्रिलिंग मोमेंट्स की वजह से मैं सेकंड हाफ के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। कुछ अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन बना ली थी, जिसकी वजह से आगे की कहानी जहां समस्याओं के समाधान होंगे, मैं शायद उनमें पता नहीं कौन सा रोमांच ढूंढ रहा था। बेटे जिंदगी में सही समय पर कभी कुछ सही खो जाया तुमने? लेकिन एक बार फिर ये फिल्म आपको सरप्राइज करेगी और कहानी में बड़े डिफरेंट अंदाज में किरदारों की समस्याओं के अंत होंगे, जिसकी वजह से सेकंड हाफ उस समय तो थोड़ा अंडरवेलमिंग सा फील हुआ, क्योंकि उस दौरान अपने दिमाग में तो वो फुल ऑन मसाला पिक्चर चल रही थी ना। लाइक नंदिनियों करीकालन एक दूसरे को देखेंगे तो पता नहीं क्या चीड़ फाड़ कर देंगे। शायद अच्छी बात है कि जो सोच रहे थे वो नहीं मिला आपको। फिल्म के सभी किरदार उन शिट गेटिंग रियल यानी गंभीर मोमेंट्स पे पूरी तरह छा जाते हैं। खैर, चीजें बहुत ही खूबसूरती से रिजॉल्व होती हैं। आपको सेकंड हाफ में कुछ बेहतरीन इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जिनको मणिरत्नम साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया है। बाकी मैं अपनी ऑनेस्टली कहूँ तो सेकंड हाफ के मेरे लिए फाइनल विचार तो शायद इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में OTT पे देखने के बाद ही बनेंगे। बाकी परफॉर्मेंसेस पे मेरे क्या विचार हैं उन पे बात कर लेते हैं। अनुपमा जी ने बिल्कुल सही कहा था एक इंटरव्यू में कि मणिरत्नम साहब ने इन एपिक किरदारों को एक फेस दे दिया है। किरदारों की बात की जाए तो मेरे फेवरेट तो वंद्यातेवन है ही, उनका मौजीपना और खिलंदड़ी किसको नहीं भाएगी यार। हाँ, वे सुंदरियों से फ्लर्ट जरूर करते हैं, लेकिन कार्थी के कैरेक्टर की खूबसूरती ये है कि वो फ्लर्ट तो कर रहे हैं लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर या उनके हाव भाव में नस नजर नहीं आएगा। इस बार उनके पल्ले कुछ गंभीर मोमेंट्स भी पड़े हैं, उनमें भी वो बेहतरीन है। चोर चोर मौसेरे भाई यानी विष्णु भक्त तिरुमलई भी एक गुप्तचर ही निकले, उनकी और वंद्यादेवन की जुगलबंदी भी स्क्रीन पे देखने में बहुत बढ़िया लगती है। उनके किरदार को सेकंड हाफ में खुल के शाइन करने का मौका मिला है। मजे की बात यह है कि एक फ्रेम में उनके किरदार के यंग सेल्फ को भी दिखाया गया है, जो उनके और नंदिनी
कंपनी के मुंह बोले भाई बहन होने की बात को जस्टिफाई करता है। कुंदवई को इस बार अपनी चालाकी और स्मार्ट पॉलिटिक्स दिखाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन यंग कुंदवई जिसने नंदिनी को निकलवा दिया था, उनको वो समथिंग इज फिशी यानी कुछ तो गड़बड़ चल रही है वाले भाव अपने चेहरे पे लाने थे। चंदी सीन में वे ये भाव अपने चेहरे पे बड़ी खूबसूरती से ले आती हैं। वहीं यंग नंदिनी जब यंग कड़ीकालन को युद्ध पे जाते हुए देखती हैं, वो लुक बस आप देखते ही रह जाओगे। कहने का मतलब ये है कि इन छोटे बच्चों ने चंद ही सीनों में अपनी छाप छोड़ दी है बहुत बढ़िया तरीके से। इस बार सुंदर चोल यानी प्रकाश राज को भी एक पावरफुल सीन मिला है। रत्नम साहब ने इस बार नंदिनी, कड़ीकालन और अपने पोनियन सेल्वन को काफी पावरफुल सीन दिए हैं। वंद्यादेवन के बाद सेकंड फेवरेट कैरेक्टर तो यू गेस्ड इट राइट, अडनमोरी वर्मन एके पोनियन सेल्वन ही होंगे। उनके किरदार की सेल्फ राइटियसनेस यानी सत्यता आपको इस पार्ट में और भी भा जाएगी। जयराम रवि यार क्या लगे हैं इस किरदार में, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वे बड़ी खूबसूरती से एकदम राजा बन जाते हैं और दूसरे ही पल एकदम छोटे भाई बन जाते हैं। उनकी और वानती जिनकी उनसे शादी होनी है, उनकी चंद मिनटों के लिए दिखाई गई केमिस्ट्री भी एकदम बढ़िया लगती है। बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन अगर उन पे चर्चा करने लगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और इस फिल्म की टेक्निकल ब्रिलियंस की बात करते हैं। इसका जिक्र तो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। भाई साहब सिर्फ वही हिस्सा देखना तुम, बाकी तो इसने उस वीडियो में बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं कराया। यार बहुत ही खराब रिव्यू किया था मैंने फर्स्ट पार्ट का। खैर अगर आपको उसको देखने का मन हो तो वीडियो ऊपर फ्लैश हो रही होगी। सबसे शानदार बात दोनों ही पार्ट्स की ये लगी मुझे कि ये दोनों पार्ट्स लुक और फील के मामले में यानी विजुअल लैंग्वेज के मामले में भंसाली साहब की फिल्मों से बिल्कुल अलग हैं। रत्नम साहब का भव्यता से ज्यादा फोकस रियलनेस दिखाने में है। उनकी लाइटिंग चॉइस भी काफी अलग फील होती है। इससे ज्यादा तो मैं टेक्निकल नहीं बता सकता आपको। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी ये दोनों फिल्में और पीरियड फिल्मों से क्यों अलग फील होती हैं? प्लीज कमेंट। आजकल के ग्रीन स्क्रीन वाले जमाने में रियल लोकेशंस का यूज करना रत्नम साहब और उनकी टीम के डेडिकेशन को दिखाता है। और थोड़ा सेट लगाओ और उसको बाकी VFX से एक्सटेंड कर दो यानी बढ़ा दो। अगर ऐसा इन लोगों ने किया भी होगा तो वो इतना सीमलेस है कि आपको पता ही नहीं लगेगा। भाई साहब कई बड़े बड़े सेट लगाए होंगे इन्होंने। फिल्म एक्चुअली काफी बड़ी ग्रैंड फील होती है और वो अटेंशन टू डिटेल मतलब बारीक से बारीक चीजों पे काम, कॉस्ट्यूम्स और बाकी जितने भी प्रॉप्स यूज किए गए हैं सब एकदम चौकस हैं। रहमान साहब का स्कोर जो कि सिचुएशन और मोमेंट्स के लिए अलग अलग है, लाइक जब मौनी देवी आती है तो अलग धुन बजती है, लाइक जब वंद्य देवन आते हैं तो अलग थीम बजती है, नंदिनी और कड़ीकालन की दुश्मनी के लिए अलग थीम है। अभी आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ। ये सेम थीम पहले पार्ट में भी बजती थी और अब जब यहाँ बजती है तो पहला पार्ट एकदम रिकॉल हो जाता है। इस बार के गाने सिर्फ बैकग्राउंड में ही बज रहे हैं, उनमें अरिजीत सिंह की एंट्री हमारी नॉर्थ बेल्ट के लिए फिल्म की अपील को और बहुत बढ़ा देती है। मेरा फेवरेट सॉन्ग तो वीरा राजवीरम है, आपका कौन सा है? फिल्म के कलर पैलेट में भी एक वो शाही बना दिख जाता है और वो भी बाकी पीरियड फिल्मों से काफी अलग है। फिल्म का ये वाला प्रैक्टिकल एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन था। यहाँ से मेरी स्लाइट क्रिटिसिज्म निकलती है कि रत्नम साहब वॉर सीक्वेंस दिखाने में इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखते। शायद फर्स्ट पार्ट की तरह ही इस बार भी एक वॉर सीक्वेंस था, उसको एकदम काटा गया है और बिल्कुल ब्रीद लेने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल एकदम खत्म हो जाता है यार वो। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। ये दोनों ही फिल्में टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं जो बात है, कुछ एक चीजें और हैं उन्हीं पे बात कर लेते हैं। बेसिकली ये फिल्म चोलों के स्वर्णिम युग को सेलिब्रेट करती है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरीके से। जैसे उनको दिखाना है कि चोल एकदम इनविंसिबल है यानी उनको कोई नहीं हरा सकता, तो उनको उन्होंने ऐसे कन्वे किया है कि उनके दुश्मन यानी पांडियन और राष्ट्रकूट उनको छल से ही मारना चाह रहा है। उनको पता है कि अगर ये सब इकट्ठा हो गया तो हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये पोनियन सेल्वन की कहानी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि दोनों पार्ट में उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है। हाँ उनके एक्शंस, उनकी सत्यता से, उनके हाव भाव से अब में एकदम वो वीर रस बढ़ जाता है, जोश आ जाता है। बाकी अपनी अपनी तरह से सभी हीरो हैं इस फिल्म के। मजे की बात यह है कि ये फिल्म कई सारी विधाओं यानी जॉनरास को फॉलो करती है। कभी ये फिल्म कुंदवई की वजह से एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन जाती है, कभी ये फिल्म वंद्यादेवन की वजह से जब वो घूमते फिरते हैं तो एक रोड मूवी बन जाती है, उनके स्पाई जासूस होने की वजह से ये एक स्पाई थ्रिलर बन जाती है, कई बार जब उनकी जान खतरे में आ जाती है तो एक फिल्म सर्वाइवल ड्रामा बन जाती है और हम ये देखने लगते हैं कि यार अब की बार कैसे जान बचाएगा अपनी। नंदिनी और कड़ीकानन की दुश्मनी की वजह से ये फिल्म एक रिवेंज लव स्टोरी भी बन जाती है। बताओ कहाँ मिलेगा आपको इतना मजा यार, क्योंकि ये फिल्म किसी एक किरदार के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, यही चीज इसको एक डिफरेंट फिल्म बना देती है। कोई और डायरेक्टर होते ना तो इस फिल्म को बनाने का तरीका वही होता कि पोनियन सेल्वन को मेन कैरेक्टर मानो और बाकी सभी को उनके इर्द गिर्द घुमाओ। मणिरत्नम साहब की स्टोरी टेलिंग की एक ये डिफरेंट अप्रोच है, नया तरीका है। इसकी वजह से ये फिल्म बाकी सारी पीरियड फिल्म से काफी अलग हो जाती है। खाली पीरियड ही नहीं और भी जो एक हीरो वाला नैरेटिव फॉलो करती है उनसे अलग हो जाती है। और क्या क्या चीजें इसको अलग बनाती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए अब अंत की तरफ बढ़ते हैं।
मणिरत्नम साहब की दोनों ही फिल्में किसी टेक्निकल अचीवमेंट से कम नहीं है। जितनी बार भी ये बात बोली जाए उतना कम है। 5 किताबों को 2 फिल्मों में दिखा देना और लास्ट में एक सेटिस्फाइंग एंडिंग भी देना जो आपको पूरी तरह संतुष्ट कर देगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म इस साल की मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। लेकिन एक चीज अभी भी फील हुई कि इन फिल्मों के आइकॉनिक कैरेक्टर्स को और बहुत सारा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। काश कोई 2-3 सीजन लंबी बढ़िया सीरीज बनाए इस पे तो मजा आ जाएगा। खैर, मणिरत्नम साहब को इस बात के लिए मैं थैंक यू हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने पोनियन सेल्वन की दुनिया से हमको रूबरू कराया। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।